यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट, दिस इज माय क्लास नंबर दिस 32 ऑन दिस पेपर नंबर 15 विच नेम इज द स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। जो फाइनल लेवल का ये आपका पेपर है इसको हम ले रहे हैं एंड दिस इज अवर क्लास नंबर बेसिकली 32, राइट। तो दिस 32 नंबर इज कमिंग बेस्ड ऑन द दिस स्टडी नोट्स प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। वी आर टेकिंग अवर दिस स्टडी नोट्स नंबर टू विच रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग एंड वी आर डूइंग अवर इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस में जो हम कर रहे थे अप टू 38 ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस क्लास एंड नाउ आई विल मूव ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 39, राइट। तो दिस 39 विच इज अगेन रिलेटेड टू प्राइजिंग एंड एक स्टूडेंट की एक रिक्वेस्ट भी थी कि मैं 39 नंबर का जो इलस्ट्रेशन है आई एम वेटिंग फॉर ए लोन, तो आज उनकी प्रॉब्लम भी एड्रेस हो जाएगी और थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया इसको करने में बिकॉज देर वॉज सम टेक्निकल इश्यूज इन सिस्टम्स, राइट। एनी वे नाउ लेट्स मूव दिस इलस्ट्रेशन नंबर 39 इज फॉर द प्राइजिंग। तो मैं पढ़ता हूँ, फॉरवर्ड एंड फाउंड्री लिमिटेड इज फीलिंग द इफेक्ट ऑफ जनरल रिसेशन इन द इंडस्ट्री। इट्स बजट फॉर द कमिंग हाफ ईयर इज बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ ओनली 500 टन्स ऑफ कास्टिंग इन ए मंथ विच इज लेस देन इट्स हाफ ऑफ कैपेसिटी। ये कह रहे हैं कि जो ये कंपनी है ये फाउंड्री का काम करती है, मतलब ढलाई का काम करती है, इसकी जो अभी ये रिसेशन की वजह से मतलब मंदी चल रही है इंडस्ट्री में जिसकी वजह से ये अपनी कैपेसिटी इनकी कम हो गई है, हाफ ओनली 500 टन्स को ही ये बना पा रहे हैं मंथ में, जबकि जो कि इनकी कैपेसिटी जो है उससे हाफ पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेस देन हाफ पे ऑपरेट कर रहे हैं। द प्राइजेस ऑफ कास्टिंग वेरिंग विद द कंपोजिशन ऑफ मेटल्स एंड द शेप ऑफ द मोल्ड बट एवरेज एवरेज रुपीज 175 a ton। तो ये बता रहे हैं कि जो प्राइस है ये कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल की हम ढलाई करते हैं, तो उससे ये आपका, लेकिन जो कह रहे हैं कि एवरेज जो कॉस्ट है वो पर टन की 100 एवरेज प्राइस, सॉरी एवरेज द प्राइस फॉर द कास्टिंग में वेरी, जो एक प्राइस ऑफ फॉर द कास्टिंग बेसिकली आपके लिए कॉस्ट हो गई, ये आपका या कॉस्ट नहीं सेलिंग वैल्यू होगी बेसिकली, ये आपकी कंपोजिशन पर डिपेंड करती है कि क्या कंपोजिशन का आप मेटल यूज कर रहे हैं और शेप पे डिपेंड करती है, लेकिन एवरेज करेंगे तो 175 रुपये पर टन होती है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर फ्रॉम द मंथली प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर बजट एट 500 टन लेवल। तो ये 500 टन के लेवल पे एक इन्होंने बजट नीचे बना के बताया है। तो अब ये तो बेसिकली जो डाटा दिया हुआ है ये इसमें एक चीज रिलेवेंट है कि एक ये बजट बनाया हुआ है, बाकी तो सब इन्होंने आपको बताया है कि किस तरह से ये एक मोल्डिंग बनाते हैं। तो उसमें मोल्डिंग में बेसिकली या कास्ट जो आपकी ढलाई हो रही है उसमें चार प्रोसेस होते हैं, कोर मेकिंग, मेल्टिंग एंड पोरिंग, मोल्डिंग, क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग। तो मैं आपको जस्ट एक बताता हूँ कि कास्टिंग होती कैसे इंडस्ट्री में। कास्टिंग का मतलब होता है ढलाई। आप कभी अगर ये मान लीजिए कि जैसे आपको क्या करना होता है, कोर मेकिंग है, मोल्डिंग एंड पोरिंग है, मोल्डिंग है और क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग है, ये आप या तो ये मान लीजिए कि ये चार प्रोसेस हैं एक तरह के। अगर आप कास्टिंग को समझना चाहते हैं तो कास्टिंग कैसे करते हैं फाउंड्री में, तो उसमें क्या होता है, पहले आपको एक सांचा बनाना होता है, सांचा जिसको ये मोल्ड कह रहे हैं, है ना, इसमें क्या कह रहे हैं उसको, ये मोल्ड कह रहे होंगे कहीं पे, दिस मोल्ड। तो मोल्ड कैसे बनता है कि जो सैंड होता है ना, सैंड जो सैंड होता है इस तरह का एक जो सैंड है, ठीक है, इस सैंड में ये क्या करते हैं, एक एक वो बना देते हैं, मान लीजिए कि आप ये क्या बना देंगे सैंड के अंदर, एक एक गड्ढा टाइप का बना देंगे। गड्ढा कैसे बनेगा वो, या वो मोल्ड कैसे बनेगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ जिससे आपको प्रोसेस समझ में आए। देखिए जैसे आपका ये सैंड है, आप क्या करोगे, इसके अंदर एक सॉलिड कोई चीज रख देते हैं जिसको हम कहते हैं कोर, ठीक है, और इसके चारों तरफ आपने ये सैंड रख दिया। एक सैंड मतलब एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है, क्ले वगैरह होती है इसके अंदर, तो ये सैंड आपने इसको बनाया, इस एक सांचे में एक सैंड टाइप का ये रख दिया, ठीक है। और फिर क्या करते हैं आप, इस कोर को कर लेते हैं इजेक्ट, मतलब इसको निकाल लेते हैं बाहर, इसको थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर लेते हैं जिससे ये पूरा से पकड़ जाता है। तो उसके बाद ये कैसा, जब ये कोर इजेक्ट हो जाएगी तो ये क्या बनेगा इसके अंदर, ये इस तरह का शेप कुछ रह जाएगा, ये वाला मान लीजिए इस तरह का शेप रह जाएगा, ठीक है, ये ऐसा रह जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आपका सैंड है, इस तरफ आपका ये सारा जो है ये सैंड है।
फिर आप क्या करते हैं इसमें, ये मोल्टिंग एंड पोरिंग कर देते हैं, मतलब मेल्टिंग एंड पोरिंग, सॉरी मेल्टिंग एंड पोरिंग का मतलब क्या है कि आपका जो मेटल है पिघला हुआ, ठीक है, मेटल जो पिघला हुआ है, ये मोल्टन मेटल है, इसको आप लाते हैं किसी उसमें लेडल में भर के या बर्तन जो भी आप समझे उसको, एक किसी टूल के थ्रू यहाँ लाते हैं और इसमें इसको यहाँ इसको ये पलट देते हैं, ठीक है, ये इस तरह का, ये इसको यहाँ पलट देंगे, ये पिघला हुआ है तो ये इसकी इसकी कैविटी में भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मोल्डिंग का मतलब ये हो गया कि इसमें फिर इसके बाद इसको ब्रेक कर देंगे, तो खाली ये जो सॉलिड बना ये वाला, ये सारी चीजें हम ब्रेक कर देंगे, इसके बाद ये वाला पूरा रेत का ये सब सिस्टम, ये एक सांचे में होता है, इसका जो फ्रेम होता है फ्रेम निकल जाएगा और रेत तो वैसे ही ब्रेक हो जाएगा। तो फिर आपको ये इस तरह का मान लीजिए आपको ये मिल जाएगा, एक मेटल का है ये मेटल का मिल जाएगा आपको, इसको मैं कलरफुल कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो इसमें ये थोड़े एक्सेस पार्ट होंगे या इसके अंदर सैंड घुस गया होगा, इस तरह का कुछ हुआ होगा, उसकी स्किन पे थोड़ा सैंड वैंड आ गया होगा, तो उसको फिर क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग से साफ कर लेते हैं, क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग से, तो उससे आपको अल्टीमेट एक इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है वो मिल जाता है। तो ये चार चार प्रोसेस हैं बेसिकली, मैंने आपको जस्ट इसलिए समझाया कि इसका कोई रिलेवेंस सवाल से नहीं है, पर मैंने बस बता दिया आपको कि हाँ ठीक है ये क्या होता है, किस तरह से मोल्ड बनता है। तो एक एक कैविटी में आप ये समझ लीजिए कि मोल्टन मेटल को पोर कर देते हैं और उसके बाद उस मोल्ड को ब्रेक कर देते हैं सैंड के, और फिर आपका ऑब्जेक्ट निकल आ जाता है। चलिए ये तो एक बात हो गई, अब हम करते हैं मुद्दे की बात जो कि सवाल से रिलेटेड है। तो ये 500 लेवल पे इनका एक इन्होंने बजट दिया हुआ है, मंथली प्रोडक्शन कॉस्ट बजट दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आपकी जो कोर मेकिंग मेल्टिंग एंड पोरिंग मोल्डिंग, ये चार प्रोसेस होते हैं, इसमें लेबर जो कॉस्ट है 10,000 रुपये है, 16,000 रुपये, 6,000 रुपये और 4,500। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि यू एटलीस्ट स्पीक नंबर इन इंग्लिश, तो लेबर कॉस्ट का डाटा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जैसे 10,000, 16,000, 6,000 एंड 4,500, वेरिएबल ओवरहेड इज 3,000, 1,000, 1,000, 1,000 रेस्पेक्टिवली, फिक्स्ड ओवरहेड इज 5,000, 9,000, 2,000 एंड 1,000 रेस्पेक्टिवली। यू सी दिस इज द बेसिकली नथिंग इन दिस कॉलम, बट इज द सम ऑफ दिस थ्री, 10,000, 3,000, 5,000 इज 18,000 एंड योर लेबर एंड ओवरहेड रेट, लेबर एंड ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो इसमें क्या क्या है आपका, ये लेबर का भी रेट है, इसमें किस किस का रेट है देखिए, ये लेबर का भी रेट है, ठीक है, इसमें ये ओवरहेड जो है ये दोनों है, ये वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये जो 18,000 रुपये आ रहा है, 18,000 जो आ रहा है, इसमें क्या क्या मिक्स है, लेबर का भी रेट है, वेरिएबल ओवरहेड भी है और फिक्स ओवरहेड भी है, इसका रेट 9 रुपये पर आवर है, तो मैं इससे क्या घंटे निकाल सकता हूँ, कितने घंटे निकले होंगे, तो आप घंटे निकाल दीजिए, 18,000 आपका जो ये आपका है इसको आप डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो आपके आवर्स अगर देखेंगे कि इसमें आवर्स कितने लग रहे होंगे, आपके आवर्स लग रहे होंगे इसमें इसको अगर आप करेंगे तो 2,000 आवर लग रहे होंगे, ठीक है, 2,000 घंटे इसमें लग रहे होंगे, राइट। तो सिमिलरली अगर आप इसको करेंगे, 26,000 को अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, तो ये आपके आ जाएंगे कितने घंटे आ जाएंगे, 4,000 घंटे आ जाएंगे, ठीक है, ये इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये घंटे मिल जाएंगे 4,000। सिमिलरली आप इसको करेंगे तो कितने घंटे आ जाएंगे, आपकी 9,000 कॉस्ट है और 6 रुपये पर आवर है, तो 9,000 डिवाइडेड बाई 6 अगर करेंगे तो दिस कम्स टू 1,500 आवर्स, राइट, दिस कम्स टू 1,500 आवर्स। सिमिलरली 6,500 डिवाइडेड बाई, इसको आप सिंपल डिवाइड कर दीजिए तो आपको घंटे पता चल जाएंगे कितने घंटे आपको लग रहे होंगे एक्टिविटी में, 6,500 डिवाइडेड बाई 5.2, राइट, तो दिस कम्स टू 1,125,000, ठीक है, तो ये आपके इतने घंटे आपके लग रहे होंगे इस लेवल पे, राइट, इस लेवल पे आपके कितने घंटे लग रहे होंगे, इतने लेबर आवर आप यूज कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है इसमें, तो हमने ये जस्ट यहाँ लिया है। द ऑपरेशन इज एट दिस लेवल इज अबाउट सॉरी ऑपरेशन इज दिस लेवल हैज ब्रॉट द कंपनी एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेक इवन, कह रहा है ये जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं इस पे हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं, ठीक है। इट इज फियर्ड दैट इफ द लेक ऑफ वर्क कंटिन्यूज द कंपनी मे हैव टू ले ऑफ सम ऑफ द मोस्ट स्किल्ड लेबर स्किल्ड वर्कर हुम इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट बैक व्हेन द वॉल्यूम पिक्स अप लेटर ऑन, मतलब कह रहा है कि अब हम ब्रेक इवन पे आ गए हैं, अगर हमें और काम नहीं मिला आगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लेबर को जो कि हाईली स्किल्ड है उसको ले ऑफ करना पड़ेगा,
और फिर बाद में काम आया तो उसको लेबर को लाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये स्थिति आ गई है, हम ब्रेक इवन पे चल रहे हैं अभी। नो वंडर द वर्क्स मैनेजर एट दिस जंक्शन वेलकम एन ऑर्डर फॉर 90,000 कास्टिंग। भैया इनको एक वर्क मैनेजर ने एक अच्छी खबर सुनाई कि भैया 90,000 कास्टिंग का एक ऑर्डर मिल गया, मिल सकता है या मिल रहा है, जिसका वेट जो है अबाउट 40 LBS होगा। ये बेसिकली पॉन्ड है, दिस इज पॉन्ड बेसिकली। तो आपने पॉन्ड का सुना होगा, विच इज इक्वल टू 1 पॉन्ड। अगर आप देखोगे 1 LBS जो होता है, विच इज इक्वल टू 453 ग्राम्स के बराबर होता है। आई थिंक इस डाटे का यूज है या नहीं है मुझे नहीं पता, वो आगे पता चलेगा, पर ये जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 453 ग्राम्स के बराबर ये होता है। ओके, इनको एक 90,000 कास्टिंग का ऑर्डर मिल गया, जिसका एवरेज जो वेट है, ईच का वेट 40 LBS है, मतलब पाउंड है, आप पढ़िए। टू बी डिलीवर ऑन द रेगुलर शेड्यूल ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 मंथ। 6 महीने के लिए आपको ये ऑर्डर मिल गया है, 90,000 कास्टिंग आपको देनी है 6 महीने बना के। एज द इमीडिएट कंसर्न ऑफ द वर्क मैनेजर टू कीप हिज वर्क फोर्स ऑक्यूपाइड, ही डज नॉट वॉन्ट टू लूज द ऑर्डर एंड रेडी टू रिकमेंड द कोटेशन ऑन नो प्रॉफिट नो लॉसेस बेसिस। क्योंकि देखो, वर्क मैनेजर की क्या है चिंता, ये है कि भाई अगर लेबर एक बार चली गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसको लाना। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम ऑर्डर को नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही कर लेंगे, हमारी लेबर इंगेज हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो इनकी बात इन्होंने बताई। मटेरियल रिक्वायर्ड वुड बी द 1 रुपी पर कास्टिंग आफ्टर डिडक्टिंग द स्क्रैप क्रेडिट। मटेरियल की कॉस्ट एक कास्टिंग की 1 रुपए है। द डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट लेबर आवर पर कास्टिंग रिक्वायर्ड फॉर द ई डिपार्टमेंट वुड बी। तो ये नीचे लेबर का डाटा दिया है, ये डाटा मैंने आपको समझा दिया, तो वो उसको आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। तो मटेरियल का डाटा इन्होंने दिया हुआ है साफ साफ, 1 रुपए पर कास्टिंग आपका लगेगा। द डायरेक्ट लेबर आवर पर कास्टिंग, कोर मेकिंग के लिए आपको 0.09 आवर लगेंगे, मेल्टिंग एंड पोरिंग के लिए आपको 0.15, मोल्डिंग के लिए 0.06 और क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए 0.06, ठीक है। तो ये डाटा, ये इस तरह से, ये मटेरियल कॉस्ट है और ये आपका लेबर कॉस्ट है, एक तरह से लेबर लेबर आवर आपके लगेंगे जिससे आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये लेबर आवर का डाटा दिया है पर कास्टिंग का, राइट। द वेरिएबल ओवरहेड वुड बियर ए नॉर्मल रिलेशन टू द लेबर कॉस्ट इन द मेल्टिंग एंड पोरिंग डिपार्टमेंट। कह रहे मेल्टिंग एंड पोरिंग डिपार्टमेंट जो है, उसमें जो आपका मेल्टिंग एंड पोरिंग डिपार्टमेंट जो है, ये बीच वाले, इसमें कह रहा है कि जो वेरिएबल ओवरहेड है, तो वेरिएबल ओवरहेड का लेबर के साथ जो रिलेशन है वो ही रहेगा इन दो डिपार्टमेंट के लिए, बीच वाले के लिए, ठीक है। और क्या होगा, और ये बता रहे हैं, ये दोनों के लिए तो कह रहा है कि पुराना ही डाटा काम करेगा। इन इन कोर मेकिंग, मतलब पहला वाला, एंड क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग बाद वाला, हाउएवर एन एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायरमेंट वुड नॉट बी अकम्पेंड बाई द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज द वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। तो कह रहा है इसके लिए जो रिलेशन है, आपको वेरिएबल ओवरहेड जो होंगे आपके इन दो लास्ट वाले प्रोसेस के लिए 1.2 रुपी फॉर एवरी एडिशनल लेबर आवर इन केस ऑफ द कोर मेकिंग, इसके लिए आपका 1.2 रुपये लगेगा कोर मेकिंग के लिए, और 30 पैसे फॉर एवरी एडिशनल लेबर आवर इन क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग। इसके लिए रेट जो हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड का 30 पैसे हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड वेजेस रेट आर इन ऑपरेशन इन ई डिपार्टमेंट एंड नो लेबर वेरियंस आर एंटीसिपेटेड। कह रहा कोई वेरियंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वेरियंस आपको कंसिडर नहीं करना, ये जस्ट स्टेटमेंट है। टू हैंडल एन ऑर्डर एट दिस सॉरी टू हैंडल एन ऑर्डर एज लार्ज एज दिस सर्टेन इंक्रीज इन द फैक्ट्री ओवरहेड्स वुड नेसेसरी अमाउंटिंग टू ₹1,000 फॉर ए मंथ फॉर ऑल डिपार्टमेंट पुट टूगेदर। कह रहा है कि अगर ये हम ये वाला ऑर्डर करेंगे तो साइज बढ़ जाएगा, तो हमारा ₹1,000 फिक्स कॉस्ट और बढ़ जाएगा, राइट। प्रोडक्शन फॉर द दिस ऑर्डर वुड बी स्प्रेड इवनली ओवर द 6 मंथ। 6 महीने में ये 90,000 कास्टिंग हमें बनानी है। हमें करना क्या है, ये सब तो डाटा था, अब हमें करना क्या है, प्रपेयर ही रिवाइज मंथली लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट बजट रिफ्लेक्टिंग द एडिशन ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है। एक तो हमें एक रिवाइज मंथली बजट बनाना है इस ऑर्डर को साथ में लेके, जिसमें आपका
सारा चीज कॉस्ट बजट में क्या क्या रिफ्लेक्ट हो, एडिशन जिस इस ऑर्डर को ऐड करके आप बनाओ, मतलब जो आप पहले बना रहे थे वो तो बनाओ बनाओ, प्लस इस ऑर्डर को साथ में चलाना है, 90,000 कास्टिंग का जो ऑर्डर मिला है। डिटरमाइन द लोएस्ट प्राइस एट विच द कोटेशन कैन बी गिवन फॉर 90,000 कास्टिंग विदाउट इनकरिंग लॉस, क्योंकि मैनेजर साहब का मानना था, वर्क मैनेजर का, कि भाई हमें अपनी लेबर को इंगेज रखना है, तो ये कोटेशन देंगे उसको, कस्टमर को कोटेशन, मतलब कि हम इतने प्राइस पे सब आपकी बना देंगे, हैं ठीक है। तो ये हमें बनाना है, कॉस्ट का एक तो बजट बना के दिखाना है नए ऑर्डर के साथ, मतलब पुराने काम और नए काम को जोड़ के, और दूसरा क्या करना है कि हमें ये कोटेशन देनी है कस्टमर को कि हम सर आपका इतने रुपए में बना देंगे आपका ये कास्टिंग, कास्टिंग की कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए, पहले जो मैंने आपको यहाँ लेबर आवर निकलवा दिए थे यहाँ पे, ठीक है, लेबर आवर निकलवा दिए थे मैंने आपके, ये 4,000 आए थे, ये शायद आए थे, ये 2,000 थे, ये 4,000 थे, ये भी 4,000 थे, और ये 1,250 थे आई बिलीव, ठीक है, ये रहे। हाँ, तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ द लेबर एंड ओवरहेड रेट। तो ये तो आपको मैंने यहीं पे बता दिया था ऊपर में, कि जो आपकी आवर्स नहीं दिए हुए हैं, कितने आवर्स लग रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस में, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपके ये लेबर आवर कितने आपके लगे हैं वो ये सीधे सीधे आ गए, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें आपको आई बिलीव कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सिंपल इससे डिवाइड करना है कि आपका टोटल ये जो डाटा है इसमें आपका क्या क्या है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है, लेबर भी है, ओवरहेड भी है। अभी ओवरहेड जो है ये फिक्स भी हैं और वेरिएबल भी हैं, और नंबर ऑफ आवर्स आपके क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपका रेट जो है लेबर आवर एंड ओवरहेड का रेट कंबाइन दिया हुआ है 9 रुपए, तो ये आपके लेबर आवर निकल आए इस तरह से, ठीक है। आई बिलीव यहाँ तक सब ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब वेरिएबल ओवरहेड पर आवर क्या होगा, देखो वेरिएबल ओवरहेड पर आवर क्या होगा, इन्होंने ये बताया था कि आपका नॉर्मल रिलेशन बियर करेगा, ठीक है, आपका क्या करेगा, नॉर्मल रिलेशन बियर करेगा दो प्रोसेस के लिए, और रिमेनिंग प्रोसेस के लिए आपका जो है वो एक अलग से उन्होंने वहां पे दिया हुआ था। तो अब हम नॉर्मल रिलेशन कैसे बियर करेगा, देखिए पहले जो ये वाले जो प्रोसेस हैं दो, ठीक है, ये वाले प्रोसेस में उन्होंने कहा कि भाई आपका ये नॉर्मल बिहेव करेगा वेरिएबल, और इसके लिए इन्होंने बताया कि अलग से बिहेव करेगा कोर मेकिंग के लिए। यहाँ कहीं लिखा था, मैं ढूंढता हूँ कहाँ पे लिखा था, उन्होंने लिखा था ना कि वेरिएबल ओवरहेड वुड बियर ए नॉर्मल रिलेशनशिप टू द कॉस्ट ऑफ लेबर इन मेल्टिंग एंड पोरिंग। मेल्टिंग एंड पोरिंग में आपका नॉर्मल बिहेव करेगा, और मोल्डिंग डिपार्टमेंट में, कोर मेकिंग और क्लीनिंग में आपका जो है एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो आपका वेरिएबल ओवरहेड जो है 1 रुपए 20 पैसे और 30 पैसे लगेगा पर्टिकुलर रेस्पेक्टिवली इन प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अब देखिए आपका ये वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूँ। वेरिएबल ओवरहेड का देखिए आपका रिलेशन कैसे है, पहले में आपका क्या रिलेशन बन रहा है कि 10,000 जो आपका ये है आपका वेरिएबल ओवरहेड 3,000 बनते हैं, ठीक है, और लेबर कॉस्ट है आपकी आपकी ये आपकी लेबर कॉस्ट कितनी है 10,000, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपके जो ये 4 घंटे आए थे यहाँ पे, 4,000 घंटे आए थे, 4,000 घंटे पे, सॉरी यहाँ पे 2,000 घंटे आए थे, ये जो घंटे आए थे 2,000 आए थे, ये वाले 2,000 घंटे आए थे, 2,000, 4,000, 1,500 और 1,250 आए थे। तो सबसे पहले तो आप ये लेबर का रेट निकाल लीजिए। लेबर का रेट कैसे निकालेंगे, लेबर का रेट निकालेंगे कैसे कि आपके लेबर कितनी लग रही थी इसमें, 10,000 लग रही थी, ठीक है, 10,000 लेबर लग रही थी, और 2,000 आपके क्या लग रहे थे, घंटे लग रहे थे, तो लेबर का रेट कितना है 5,000, सॉरी 5 रुपए पर घंटा। इसमें लेबर की कॉस्ट कितनी है आपकी 16,000, और इसमें कितने घंटे लग रहे थे आपके 4,000, तो इसमें कितनी आ गई आपकी 4 रुपए आ गई। इसमें आपके 6,000 घंटे 6,000 कॉस्ट थी, और घंटे कितने लग रहे थे यहाँ पे 1,500, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, ये भी 4 रुपए आ जाएगी, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हैं मेरे हिसाब से कि नहीं समझ पा रहे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके उसमें वहां दिया हुआ है लेबर की कॉस्ट दी हुई है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में लेबर की कॉस्ट कितनी है, लेबर की कॉस्ट दी हुई है 10,000, ठीक है, और आपके घंटे कितने लग रहे थे 2,000 जो हमने निकाले हैं। सिमिलरली इस केस में अगर आप देखेंगे ये फिगर कैसे आ रही है, ये फिगर आ रही है आपके जो लेबर की कॉस्ट और घंटे से आपने निकालना है, तो घंटे आपके कितने लग रहे थे 4,000, ठीक है, घंटे कितने लग रहे थे 4,000, और लेबर की कॉस्ट कितनी थी आपकी 16,000, ठीक है, मुझे इतना ध्यान है। सिमिलरली
सिमिलरली आपका ये भी ऐसे ही था कुछ, इसमें शायद 1500 घंटे लग रहे थे, तो यहाँ लेबर की कॉस्ट कितनी होगी, 6000 होगी, ठीक है। और यहाँ आपको 3 रुपये 60 पैसे, ये मुझे डाटा याद नहीं है, यहाँ नीचे 1250 कुछ था, तो ये करस्पॉन्डिंग डाटा आ जाएगा 1250, तो यहाँ जो आपकी ये 4500 रुपये होगी, ठीक है। यहाँ कितनी होगी, 4500 रुपये होगी, 4500। ये दोबारा लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ यहाँ लिख देता हूँ, 4500 आपका होगा ये, और ये आपकी 1250 रुपये होगी। तो ये आपकी कॉस्ट होगी इस तरह से। पहले सबसे पहले आप लेबर की कॉस्ट देख लेंगे, तो ये डाटा आप वेरीफाई कर सकते हैं वहाँ ऊपर से, ये आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 10000 है ये वाली कॉस्ट, ठीक है। जब आपने ये निकाल लिया, तो फिर आप इसका वेरिएबल कॉस्ट के साथ रिलेशनशिप निकाल लीजिए। वो कह रहा था कि इन दोनों में तो नॉर्मल नॉर्मल बिहेव करेगा, ये नॉर्मल बिहेव करेगा, इसमें नॉर्मल बिहेव करेगा, और इन दोनों में उसने एडिशनल जो था आपका एडिशनल उसने वेरिएबल रेट बताया था, ठीक है। ओके, तो वो मैं करके आपको दिखाता हूँ वो कहाँ से, ये तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया हो। तो ये जो आपका वेरिएबल ओवरहेड पर आवर निकाला हुआ है, ये वाला डाटा, ये इन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम का निकाला हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम का कैसे निकाला हुआ है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डाटा है, इसमें आपके जो नॉर्मल रिलेशन बियर कर रहा है आपका लेबर के साथ वेरिएबल ओवरहेड का रेशियो जो ऊपर दिया है, उसी को यहाँ नीचे लेके आए हैं। अगर आप इसको देखेंगे कि ये 1.5 कैसे आया, देखिए 1.5 ही कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ। आपका देखिए ये 1.5 ऐसे आएगा कि आपका वेरिएबल ओवरहेड और जो आपका लेबर रेट है उसका रेशियो क्या है। वेरिएबल ओवरहेड और आपका लेबर का रेशियो जो है, ये बेसिकली है 3/10, राइट, ये आपका है 3/10, ठीक है। और आपका अगर मुझे वेरिएबल ओवरहेड निकालना हो आपको, तो ये रेशियो है, तो मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका क्या देखिए आंसर आता है, देखिए 3/10 × 5, तो दिस कम्स टू 1.5, राइट, ये आपका 1.5 इस तरह से आ जाएगा। ये जो डाटा है ना, ये जो यहाँ रेशियो बन रहा है, इस रेशियो को, ये तो टोटल वैल्यूज के साथ बन रहा है, तो आप अगर यूनिट के साथ वहां गुणा कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। सिमिलरली ये वाला जो आपका है 1/16 का रेशियो है, यहाँ 1/6 का रेशियो है, यहाँ आपका 1/1/4.5 का रेशियो है। तो जो वहाँ आपके लेबर के रेट आए थे, जो लेबर के रेट आए थे, जैसे यहाँ आपका 5 रुपये आया था, इस 5 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो आपको 1.5 रुपये वेरिएबल ओवरहेड का रेट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ आई बिलीव 6.5 आपका था रेट, तो आप उसमें देखेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो ये जो था, मैंने गलत लिख दिया था, ये कितना था बेसिकली, ये तो एक रेशियो आप निकाल लीजिए, ये तो एक रेशियो हो गया जो मैंने कहा कि ये वाला आपका रेशियो है, ठीक है। आपको अगर वेरिएबल वेरिएबल ओवरहेड का रेट निकालना है, वेरिएबल ओवरहेड का अगर आपको रेट निकालना है, तो आप कर दीजिए इसको, उलट दीजिए रेशियो को, और इसके जो रेट है, ठीक है, इसको करना है आपको 3/10 × आपका रेट 5 रुपये है, तो इससे आपका 1.5 रुपये आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको कर दीजिए 1/16, ये आपका ये है ना 1/16 × रेट था आपका 4 रुपये, तो ये आपका आ जाएगा 0.25, ठीक है। सिमिलरली इसको कर दीजिए 1/6 × 1/6 क्यों आएगा, 1000/6000 कर लीजिए, या तो 1000/6000 इंटू, यहाँ भी रेट आपका 4 रुपये था, तो दिस कम्स टू क्या आएगा 1/6 × 4, तो दिस कम्स टू 6.67 बेसिकली आ जाएगा। और यहाँ मुझे आई बिलीव था 3 रुपये 20 पैसे था कि 3 रुपये 50 पैसे था, क्या रेट था वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप करेंगे 1/4.5, और जो आपका रेट था, रेट क्या था वो 3.5 था या 2 था, जो भी था वो करेंगे तो आपको रेट मिल जाएगा। हैं, ये डाटा मुझे याद नहीं है, इसको आप उसका रेट वहाँ देख के कर, मैं वहीं करके बता दूंगा कितना था, 3.2 था आई बिलीव, 3.6 था बेसिकली। तो आप 3.6 को करिए, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, 1/6 तो वहाँ से रेशियो आ रहा, ये जो रेशियो आ रहा था कितना आ रहा था वहाँ पे, दिस वाज बेसिकली 1/4.5 × आपका रेट, ये वाला लीजिए 3.6, तो 3.6 पे क्या आएगा आपका, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं,
दिस इज बेसिकली 3.6 डिवाइडेड बाई 4.5, राइट 4.5, तो दिस कम्स टू 0.8, तो ये आपका 0.8 आ जाएगा जो आपका यहाँ आ रहा है, ये वाला आ रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रेट निकाला है, ये जो आपने रेट निकाला ना, ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस का निकाला हुआ है, ये वाला जो रेट निकाला वेरिएबल ओवरहेड का। अब यहाँ पे क्या है कि दो दो उसमें तो आपका यही रेट काम करेगा, दो प्रोसेस में, तो ये बीच वाले जो है मेल्टिंग एंड पोरिंग और आपका मोल्डिंग में, ये तो सेम रेट लगेगा। लेकिन जो आपके कोर मेकिंग और क्लीनिंग में आपका अलग रेट था वेरिएबल हेड का, तो वो कितना था, 1.2 था, और यहाँ पे कितना था, वो 0.3 था, बेसिकली 30 पैसे और 1 रुपये 20 पैसे। तो अब आप देखिए, ये जो ग्राहक, ये जो आएगा, ये रेट आपको कैलकुलेशन में नहीं लेना इन दोनों के केसेस में। तो ये डाटा, ये आपका इरिलीवेंट है और ये आपका इरिलीवेंट है, ठीक है, क्योंकि ये तो वेरिएबल का नए ऑर्डर के लिए, आपका नए ऑर्डर के लिए ये रेट लगेगा ही नहीं। अगर आप देखेंगे कि आप अगर इसको 1.5 को, अगर रिक्वायर्ड आवर्स जो इन्होंने निकाले हैं, रिक्वायर्ड आवर कैसे निकाले, मैं आपको बता के बता देता हूँ कैसे निकले हुए हैं रिक्वायर्ड आवर्स। देखिए, आपका जो ऑर्डर है वो 6 महीने चलना है, आपका ऑर्डर कितने चलना है, 6 महीने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डिमांड कितनी है, 90,000 यूनिट्स की, तो 6 महीने चलेंगे तो कितना आएगा, ये 15,000 पर यूनिट आएंगी, ठीक है, 15,000 यूनिट पर मंथ आ जाएंगी। तो ये आपको टाइम कितना लगेगा, जैसे इस प्रोसेस में जो पर्टिकुलर टाइम लग रहा था, तो आई बिलीव इट वाज 0.09 इंटू 15,000 करिए, तो क्या आता आपका 1,350। ये 1,350 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका यहाँ टाइम कितना लग रहा था नए ऑर्डर के लिए, 0.09 लग रहा था, कोर मेकिंग के लिए कितना लग रहा था, 0.09। तो जब आप 0.09 की 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, इतने लेबर आवर चाहिए आपको। अच्छा, इसका इसका टाइम कितना लग रहा था, सिमिलरली आप इसके टाइम को निकालने के लिए जो भी टाइम था उसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टाइम जो भी था वो देख लेता हूँ मैं एक बार, 0.06 था आई बिलीव, क्या था वो डाटा मेरे सामने नहीं है, 0.15। तो ये कैसे आएगा आपका, ये वाला टाइम 0.15 है, मैं एक बार ले लेता हूँ डाटा ऊपर से, 0.15, 0.06, 0.06, तो 0.15 ये वाले आवर्स कैसे आएंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये आपके आ जाएंगे, ये वाले, ये आपके जो मैंने आपको बताया कि आपको 15,000 यूनिट बनानी पड़ेंगी पर महीने, और इसका 0.15 पर यूनिट टाइम लगेगा, ठीक है, तो ये आपके घंटे आ जाएंगे। तो आप कर दीजिए 15,000, ये 15,000 है बेसिकली, 15,000 इंटू, ठीक है, दिस 15,000 इंटू 0.15, तो 15,000 इंटू 0.15, तो दिस कम्स टू 2,250। सिमिलरली इसमें 0.06 था, तो 15, ये कैसे आएगा आपके घंटे, 15,000 इंटू 0.06, तो ये आपके आ जाएंगे 600 घंटे, 15,000 इंटू 0.06, तो दिस कम्स टू 900 आवर। सिमिलरली अगेन आपके 900 आवर आ जाएंगे। तो ये तो आपके आवर्स चाहिए आगे नए जॉब के लिए। ये 15,000 कहाँ से आया, ये 15,000 आया आपको क्योंकि 90,000 आपको जो नई कास्टिंग का ऑर्डर मिला था वो 6 महीने के लिए था, तो 1 मंथ के लिए कितना हो गया, 90,000 डिवाइड बाई 6, तो 15,000 हो गया। अब लेबर कॉस्ट का डाटा तो आपका, इसको सिंपल इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ जाएगा, हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका ये वाला डाटा आ जाएगा, राइट, ठीक है, ये वाला आ गया। अच्छा, अब इसमें गौर करने वाली बात कहाँ है, देखो इसके, अब ये जो वेरिएबल आपका ओवरहेड है, देखो यहाँ रेट चेंज नहीं होगा, तो आप अगर सिंपल 1., यहाँ चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे रेट जो था 1.2 था भाई, ये वाला जो रेट है ये रिलीवेंट नहीं है, ये तो ओल्ड प्रोसेस में चल रहा था, ये वाला रिलीवेंट है, ये वाला भी रिलीवेंट है, ये वाला रिलीवेंट नहीं है। तो 1.2 का आप अगर ये घंटों से गुणा करेंगे 1,350 से, तो ये आंसर आना चाहिए आई बिलीव। तो आप करिए 1.2 इंटू 1,350, 1.2 इंटू 1,350, तो दिस कम्स टू 1620, राइट, बिल्कुल ठीक आ गया। तो ये क्या आ रहा है आपका, जो आपके घंटे हैं 1,350 इंटू 1.2 रेट था कोर मेकिंग के लिए, ये उन्होंने अलग से लिखा था ना कि भाई हमें कोर मेकिंग में रेट बढ़ जाएगा। सिमिलरली ये 270 कैसे आएगा, ये 30 पैसे आपका रेट था,
और घंटे कितने लग रहे थे, 900 घंटे लग रहे थे, 900 घंटे लग रहे थे, तो ये आपका 270 आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों के लिए जो आपके बीच के प्रोसेस हैं, मोल्टिंग एंड मेल्टिंग एंड पोरिंग और मोल्डिंग के लिए, यहाँ पे रेट ये 25 पैसे वाला ही काम कर जाएगा। तो आपके जो घंटे हैं, ये आपके 2250 को आप 0.25 से गुणा करिए, 0.25 × 2250, तो दिस कम्स टू 562 या 563 आपने लिया हुआ है। तो ये कैसे आ रहा है आपका 563, 0.25 × 2250। ठीक है, सिमिलरली आपका 600 कैसे आएगा, 0.67 को आप फिर आप गुणा 900 से गुणा कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा, राइट। ये कितना आ जाएगा, 0.67 × 900, राइट। तो 0.67 × 900, राइट, तो दिस कम्स टू 600 जो आपका आ जाएगा। ये पॉइंट और 67 की जगह 66 करेंगे तो ये 600 आ जाएगा, वैसे ही 603 या 602 आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सारा डाटा निकल गया आपका। अब आपने पूरे रेट्स निकाल लिए, ये नए ऑर्डर के लिए आपने निकाल लिया सारा डाटा, क्योंकि नए नए ऑर्डर के लिए आपके आपके घंटे निकले, तो नए ऑर्डर के लिए आपका लेबर की कॉस्ट निकल गई और वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। तो अब आपको क्या बनाना है, रिवाइज बजट। अब आप आसानी से बना सकते हैं, मेरे हिसाब से सारी चीज मैंने क्लैरिफाई कर दी है। तो रिवाइज बजट कैसे बनेगा, रिवाइज मंथली बजट, रिवाइज मंथली लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट बजट रिफ्लेक्टिंग द एडिशन ऑफ ऑर्डर। तो ये पुराना वाला डाटा तो आपका दिया हुआ है, ये वाला आपका दिया हुआ है, ये आपका पुराना दिया हुआ है, ये वाला जो आप एग्जिस्टिंग ऑर्डर बना रहे हैं, और नए ऑर्डर का डाटा आपके पास ये आ गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो लेबर का डाटा आपको ये आ गया कि लेबर आपकी कितनी लगेगी नए ऑर्डर और पुराने ऑर्डर से। ठीक है, क्योंकि आपका देखो ये तो ये जो हमने लेबर का डाटा निकाला है, लेबर का रेट जो आपकी कॉस्ट निकाली है वो नए ऑर्डर के निकाली है, तो ये वाली जो कॉस्ट है, ये वाली जो कॉस्ट है, ये वाली, इसको आप सीधे से देखेंगे तो ये वाली कॉस्ट यहाँ इन्होंने ले ली है, ये वाली है, और ये वाली जो कॉस्ट है ये तो पहला जो जो जिस पे आप ब्रेक इवन कर रहे हैं वो वाली कॉस्ट है ये। ठीक है, सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट ये डायरेक्टली दी हुई है आपको सवाल में। ठीक है, तो ये वहां से आ जाएगी, और नई जो आपने निकाली है ये वाली जो आपने नए ऑर्डर के लिए निकाली है, ये आपकी उठ के यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो अब इनको जोड़ेंगे आप तो ये आपका ये आ जाएगा टोटल आपकी कॉस्ट। इन सब इन दोनों कॉलमों को आप जोड़ दीजिए, ये आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे। इसमें आप फिर आपकी फिक्स कॉस्ट भी वहाँ दी हुई है 5000, फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो जैसी दी है 5000, 9000, 2000, 1000, ये आपकी वहाँ दी हुई है ऑलरेडी सवाल में। ये मैं आपको कहूँ तो मैं दिखा देता हूँ, ये वाली जो है ये कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है। फिक्स कॉस्ट तो नए ऑर्डर से चेंज हो नहीं रही, केवल 1000 रुपये की कॉस्ट हो रही है, वो इन्होंने यहाँ अलग से ले ली है। तो ये कॉस्ट कहाँ से आ रही है, ये कॉस्ट आ रही है ऊपर से, ये आपकी फिक्स कॉस्ट जो आ रही है ना, ये वाली, ये रही फिक्स कॉस्ट 5000, 9000, 2000, 1000, तो ये आपकी आ रही है यहाँ से। कहाँ गई, ये रही 5000, 9000, 2000, 1000, तो इसको फिक्स कॉस्ट को जोड़ दीजिए वेरिएबल कॉस्ट में, तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये ग्रांड सम टोटल आ जाएगा। अच्छा, नए ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से आपको क्या है, 1000 रुपये की एडिशनल फिक्स कॉस्ट बढ़ जा रही है। तो इस तरह से आपका जो टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 86,143 रुपये आ रही है। तो ये आप एक रिवाइज बजट आपने इस तरह से बना दिया। इसमें कंफ्यूज कहाँ हो रहे होंगे स्टूडेंट, मुझे कई बार मैसेज आ रहा था कि आपको जो ये वेरिएबल ओवरहेड ये वाले डाटा लेने हैं, ये वाले, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो ये पर्टिकुलर इस सवाल में पेंच है कि ये जो इन्होंने ये कैलकुलेट किया हुआ है, इसमें आपका ये वाला रेट और ये वाला रेट वेरिएबल ओवरहेड के लिए इरिलीवेंट है, क्योंकि वहाँ आपको नए रेट लेने पड़ेंगे जो जिस वो सवाल में दिए हुए हैं। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सवाल में ये लिखे हुए हैं, ये वेरिएबल ओवरहेड बियर द नॉर्मल रिलेशन टू द लेबर कॉस्ट इन द मीटिंग एंड पोरिंग इन मेल्टिंग एंड पोरिंग डिपार्टमेंट एंड इन मोल्डिंग डिपार्टमेंट इन कोर मेकिंग क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग हावर एंड एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायरमेंट वुड नॉट बी अकाउंटेड बाई द प्रोपोनेंट इंक्रीज द वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड वुड इंक्रीज बाई 1.2 रुपये फॉर एवरी एडिशनल लेबर आवर इन केस ऑफ कोर मेकिंग एंड 30 पैसे बाई एवरी एडिशनल लेबर इन क्लीनिंग। तो ये यहाँ जो कॉस्ट लेनी है आपको ना, ये वेरिएबल ओवरहेड की, तो ये वेरिएबल ओवरहेड की जो कॉस्ट यहाँ पे लेनी है, ये वाली जो आपको लेनी है, ये यहाँ 30 पैसे लेनी है 0.30,
और यहाँ पे आपको लेनी है 1.2, तभी आपके करेक्ट आंसर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आपने कॉस्ट निकाल दी, तो पहला सवाल, ये सवाल का पहला पार्ट तो यहाँ हो जाता है। ठीक है, ये पार्ट हो गया, आपने ऑर्डर के साथ ये ओवरहेड कॉस्ट बजट बना दिया, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट बजट, जिसमें आपका न्यू ऑर्डर भी आ रहा है, शामिल हो गया है। डिटरमाइन द लोएस्ट प्राइस एट विच द कोटेशन कैन बी गिवन फॉर 90,000 कास्टिंग विदाउट इनकरिंग ए लॉस। तो कह रहे हैं आप कोटेशन कैसे दें, हमें प्रॉफिट तो करना नहीं है, हम तो लेबर एंगेज करना चाह रहे थे, है ना, तो उसके लिए कोटेशन कैसे देनी है ये बताना है। देखो आपका मटेरियल तो पता है, 15,000 यूनिट पर मंथ आप बनाओगे तो ₹1 पर यूनिट दिया हुआ था, ये तो आपको सवाल में बहुत क्लियरली पहले से दिया हुआ है कि ₹1 हमारी कॉस्ट आएगी, ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ₹1 कॉस्ट आएगी। अच्छा, और तो 15,000 तो आपकी मटेरियल की कॉस्ट होगी, लेबर एंड ओवरहेड आपके कितने फालतू लगेंगे, देखो लेबर एंड ओवरहेड आपके कितने फालतू लगेंगे ये आपको निकाल लेना है। तो आपका ये देखो 86,143 जो आपके आ रही है, 86,143 नए ऑर्डर के साथ, और पुराना ऑर्डर जब आप कर रहे थे तो कितनी कॉस्ट आ रही थी, वो कॉस्ट कहीं दी हुई है क्या, ये इन्होंने जो लाए हैं ये 59,500, तो ये कहाँ से आ रही है ये मैं आपको बता देता हूँ। 15,500 आप, तो ये तो जस्ट जो 15,500 आ रही है जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट थी वो आपकी ये है। ठीक है, जो कि किसकी है, लेबर एंड ओवरहेड की। तो जब आप नया ऑर्डर नहीं बना रहे थे तो इनको आप सम करेंगे ना चारों को, तो आपका क्या आ जाएगा, ये सम करने से, ये आपका सम करने से आ जाएगा 59,500। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट आ रही थी पहले, और अभी जो कॉस्ट आ रही है जब आप नया ऑर्डर कर रहे हैं तो कितनी कॉस्ट आ रही है, ये आ रही है 86,143। तो इसकी वजह से आपको लेबर एंड ओवरहेड इतने फालतू हो गए, तो इससे आपकी टोटल कॉस्ट ये हो गई। ठीक है, तो इसका ऑर्डर आपको कितना देना चाहिए, पूरे 6 महीने तक ये चलेगा, ये तो 1 मंथ का हो गया, ये दोनों कॉस्ट को जोड़ दोगे तो 1 मंथ का हो गया। 26,000 आपकी एडिशनल लेबर एंड ओवरहेड लग रहे हैं, और 15,000 आपका मटेरियल लग रहा है, तो 41,643 पर मंथ आपका लग रहा है फालतू का इसकी वजह से। तो इसको रिकवर करने, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो चाहिए नहीं वहाँ पे, जस्ट कोटेशन देना चाहते हैं 6 मंथ के लिए, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 249,858। तो 41643 × 6, तो दिस कम्स टू द 249,858। तो मेरे हिसाब से इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स मूव दिस इलस्ट्रेशन नंबर 40 विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इन सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ये आसान सवाल है। ए लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी ओन्स एंड ऑपरेट ए लेजर सेंटर विद द नंबरस स्पॉटिंग फैसिलिटी। गवर्नमेंट अपना एक कुछ ही चलाती है, होटल टाइप का या जो भी इनका होगा, जिसमें लोग आराम करते हैं आके, जिसमें फैसिलिटी है, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, कैफेटेरिया है उसके अंदर, स्पोर्ट्स की शॉप है। द समर सीजन लोड्स फॉर द 20 वीक इंक्लूडिंग ए पीक पीरियड ऑफ 6 वीक करस्पॉन्डिंग टू द स्कूल हॉलीडे। कह रहा है इनका जो लास्ट था वो 20 वीक इन्होंने काम किया, इन्होंने कितने वीक काम किया, 20 वीक काम किया, इन्होंने 20 वीक काम किया, 20 वीक्स काम किया इन्होंने, जिसमें ये जो थे ना 20 वीक्स में इन्होंने क्या किया कि 6 वीक्स जो थे, ये 6 वीक्स जो थे ये आपके हॉलीडे के थे, जो पीक कहलाए, ये पीक था आपका। ठीक है, पीक पीरियड था, और जो 14 वीक्स थे वो आपका क्या था, लीन पीरियड था या नॉर्मल पीरियड था। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने 20 वीक के लिए ये अपना डाटा बताया हुआ है इसको चलाने का, लेजर सेंटर को। तो इसमें 60 सिंगल रूम है जो डेली बेसिस पे ये उठाते हैं, 65 डबल रूम है इनके पास, डबल रूम है जो कि डेली बेसिस पे ये किराए पे देते हैं। इसका जो किराया है 160% ऑफ द सिंगल रूम रेट, भाई जो इसका किराया लेते होंगे वो उससे 160% ज़्यादा लेते होंगे इस पे, डबल रूम पे, वो रेट नहीं दिया हुआ इन्होंने। 60 सिंगल रूम्स हैं और 35 डबल रूम है, लेकिन जो डबल रूम्स का किराया जो है 160% ज़्यादा है सिंगल वाले से। अच्छा, रूम रेट जो है, फिक्स कॉस्ट उसकी जो आ रही है वो आ रही है 29,900 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 4 रुपये पर सिंगल रूम पर डे एंड 6,40 रुपये डबल रूम पर रूम पर डे। ठीक है, तो ये तो डाटा दिया हुआ है केवल एकोमोडेशन का, एकोमोडेशन मतलब वहाँ रूम्स वगैरह वो जो बुक करते हैं, वो ये डाटा दिया हुआ है। सिमिलरली इन्होंने अलग अलग फैसिलिटीज़ का डाटा दिया हुआ है, जैसे स्पोर्ट्स सेंटर है, वहाँ रेजिडेंशियल गेस्ट आते हैं तो वो 2 रुपये पर डे देते हैं,
कैजुअल कोई आ जाता है तो 3 रुपये पर डे देता है, अगर वो फैसिलिटी यूज करता है स्पोर्ट्स की, उसकी जो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट स्पोर्ट्स को मेंटेन करने की 15,000 रुपये, 15,500 रुपये है, ठीक है। ऐसे इन्होंने अलग अलग फैसिलिटीज के डाटा दिए हुए हैं। ऐसे इनका जो है देखिए, ये आपकी वहाँ पे स्पोर्ट शॉप है कोई, वो जो चलाते हैं, एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन अगर वहाँ एक आदमी आता है तो रफली 1 रुपया मिलता है, मतलब 1 रुपया कंट्रीब्यूशन मिलता है। फिक्स कॉस्ट उस शॉप को चलाने की 8,500 रुपये है। ऐसी कैफेटेरिया कैंटीन है, वहाँ पे खाना खाते हैं लोग आके, एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन उसका 1.5 रुपये पर पर्सन पर डे है। फिक्स कॉस्ट ऑपरेट करने की 12,750 रुपये है। ड्यूरिंग द समर सीजन द सेंटर इज ओपन 4/7 डे इन ए वीक, द फॉलोइंग एक्टिविटी लेवर आर एंटिसिपेटेड, ठीक है। पूरे 7 दिन इन्होंने चला, समर सीजन जब चला रहे थे उसमें 7 दिन इनका वीक में काम किया इन्होंने, ओपन रहा, और ये एक्टिविटी भी एंटिसिपेट की गई कि डबल रूम जो है पूरा बुक हो जाएगा होल सीजन के लिए। डबल रूम्स जो है जिसका किराया है 160% ऑफ सिंगल रूम लेते हैं, वो पूरा भर जाएगा, ठीक है। जबकि जो आपका सिंगल रूम्स है, जो सिंगल रूम्स हैं वो फुली बुक फॉर द पीक पीरियड बट ओनली 80% ऑफ कैपेसिटी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द पीरियड। कह रहे सिंगल रूम जो है वो जो आपका पीक पीरियड था 6 वीक का, उसके लिए तो ये पूरा भर जाएगा, लेकिन रिमेनिंग टाइम में जो 14 वीक्स थे जो नॉर्मल थे उसमें 80% ऑक्यूपेंसी रहेगी। उसके अलावा 30 कैजुअल वर्कर कैजुअल विजिटर आते हैं जो पर डे आते हैं, एवरेज के हिसाब से 30 इनको विजिटर पर डे मिलते हैं कैजुअल टाइप के, ठीक है। तो क्या करना है, क्या साहब करना है, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ सिंगल रूम एंड डबल रूम एज्यूमिंग दैट, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ सिंगल रूम एंड डबल रूम एज्यूमिंग दैट द अथॉरिटी विशेष टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज प्रॉफिट ऑन एकोमोडेशन। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप एकोमोडेशन का रेट निकाल लो, सॉरी कॉस्ट निकाल दो, उसमें प्रॉफिट जोड़ लो, और उसके जो आपके आपकी जितनी ऑक्यूपेंसी आ रही है उसकी ऑक्यूपेंसी से आप जो है उसको डिवाइड कर दो तो रेट आ जाएगा आपको। लेकिन इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सिंगल यूनिट में, तो ये मैं आपको करके बताता हूँ पहला वाला है, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा ये बी पार्ट। तो पहले पार्ट में क्या, देखो सिंगल रूम्स जो है आपके 60 रूम है, 7 दिन खुलते हैं और 6 वीक्स के लिए खुले आपको, ठीक है। फुल देखो ये कैसे है, ये ऐसे समझ लो आप कि आपका ये 60 सिंगल रूम है, ठीक है, ये डेली बेसिस पे खुले, मतलब ये कितने खुले होंगे 7 दिन खुलते हैं, ठीक है। और आप बता रहे थे कि ये जो है ये है समर में 20 वीक के पीरियड में 6 वीक जो है पीक के हैं, तो पीक में तो ये भर जाते हैं पूरे पूरे, और रिमेनिंग पीरियड जो 14 वीक का बचा है यहाँ उसमें 80% भरते हैं, तो ये कैसे होगा। देखो ये हो गया 60 रूम्स हैं, 7 दिन खुले, ठीक है, 60 रूम्स हैं, 7 दिन खुले, और ये 6 क्यों आ रहा है, एक मिनट, ये 6 आ रहा है वीक्स, 6 वीक्स के लिए खुले, इन्होंने स्प्लिट कर दिया इसको, क्योंकि ये जो आपका वीक है ना, ये जो आपका सीजन चला ना, ये जो 6 आ रहा है, ये वाला 6 जो आ रहा है ना, ये जो 6 आ रहा है ये है पीक सीजन, ये कितना पीक सीजन, और ये वाला जो सीजन है, ये वाला जो सीजन है 14, ये 20 वीक के लिए खुला था ना, 14 और 6 को स्प्लिट कर दिया, इसमें 80% की ऑक्यूपेंसी रहती है, तो 60 रूम 7 दिन के लिए 14 वीक्स के लिए 80% पे, तो इसका इतनी ऑक्यूपेंसी आ गई, इसकी ऑक्यूपेंसी इतनी आ गई। अच्छा डबल रूम जो है, डबल रूम आपके पूरे 20 के 20 वीक्स जो है 7 दिन भर जाते हैं, जो कि 35 नंबर में है, तो इससे आपका कितना आ गया है 4900, तो ये आपकी ऑक्यूपेंसी ये आ गई सिंगल रूम्स की आ गई, और ये आपकी आ गई डबल रूम्स की, ठीक है, इतनी ऑक्यूपेंसी आ गई। अब टोटल सेल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए है, 722 जो आपके आ रहे हैं ना, ये 7224 ये जो आ रहे हैं, इसकी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेट करने की कितनी, 4 रुपए ये दी हुई है, और डबल रूम की कितनी थी 6 रुपए 40 पैसे, तो ये भी दी हुई है, तो आप ये करेंगे तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी ये वाली दोनों की, तो ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई दोनों दोनों टाइप के रूम को ऑपरेट करने की, ठीक है, इसमें तो कोई झगड़ा मुझे लगता नहीं, ये तो सब समझ में आ रहा है। अच्छा फिक्स कॉस्ट आपकी दी हुई है 29,900, ये आपकी यहाँ पे दी हुई है मुझे लगता है, सॉरी ये दी हुई है 29,900, और ये आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट मेंटेन करने की आ रही थी, तो इससे आपका ये फिक्स कॉस्ट आ गई, तो देखो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट ये हो गई, ये फिक्स कॉस्ट हो गई, ये आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 10,000 रुपये, ये भी डाटा दिया हुआ है कि आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो जब आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई,
तो टोटल आपकी सेल कितनी होनी चाहिए, आपको क्या रेट रखना है ये बताना पड़ेगा ना, रूम रेंट। तो आपको टोटल इतना रिवेन्यू जनरेट करना चाहिए, ठीक है। ये कितना हो गया भैया, 1,156,000 रुपये। अच्छा, 1,156,000 रुपये अगर करना चाहिए तो रूम का रेंट क्या रखें। देखो, रूम का रेंट रखने के लिए आपको जो आपके ये आवर्स आए थे, ठीक है, ये वाले जो आवर्स आए थे, सिंगल वाले, ठीक है, और डबल वाले में आपका जो रूम का रेंट है वो 1.6 टाइम ऑफ दिस है। तो मान लो इसके लिए कोई रूम का रेंट मान लो इसमें एस मान लिया इन्होंने, एस मान लिया, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल है। तो ये क्यों, कैसे इक्वेशन बनेगी, देखो आपको टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट करना है, 1,516,000, 516, 156, क्या कर रहे हैं यार ये, 516 बता रहे हैं या 156 बता रहे हैं, क्या है, एक बार जस्ट इसको कंफर्म, ये आपका ये ठीक है, 156 ही आएगा इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इसमें कैसे किया आपने, ये देखो यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे इक्वेट हुई है, आपका 1,156,000 रुपये आपको रेवेन्यू कमाना है, ठीक है। आपके पास रूम्स रूम्स की ये कितने हैं आपके, सिंगल वाले हैं आपके 7,224, मान लो इसका रेंट है ₹80 पर रूम का, प्लस इस वाले का कितना है 4,900, ठीक है। तो इसको एस वाला बनाने के लिए इसका रूम तो 160% ज्यादा मिलता है, तो 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.6 एस करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को जब इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, तो जब इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से आप एस की एक वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको इसको इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी जो इन्होंने निकाली हुई है 6.65, 6.65, यानी कि जो रूम्स का रेट है वो आपको कितना रखने पड़ेगा, 6.65। ये सिंगल रूम का है एस वाला, तो डबल रूम वाला कितने का हो जाएगा, मान लो ये तो आ गया सिंगल रूम के लिए। अच्छा, डबल रूम का कितना हो जाएगा, डबल रूम के लिए कितना हो जाएगा, इसका 1.6 कर दो बस, सिंपल सिंपल, इसका कितना कर दो, 1.6 कर दो, 6.65 × 1.6 कर दो, तो दिस कम्स टू 10.64, दिस कम्स टू 10.64। ये काफी आसान सवाल है, मेरे हिसाब से फाइनल लेवल का है भी नहीं है, चलो इन्होंने ऐड किया हुआ है तो कोई बात नहीं। तो ये तो रूम का रेंट आपने निकाल दिया। अच्छा, आगे ये क्या कह रहे थे, आगे ये क्या कह रहे थे भाई, आगे कह रहे थे कैलकुलेट द एंटीसिपेटेड टोटल प्रॉफिट फॉर लाइजू सेंटर एज ए होल सेशन के लिए। तो 10,000 तो प्रॉफिट आपने यहाँ निकाला था, ठीक है, बाकी का प्रॉफिट आप निकालते चलिए आराम से, एकोमोडेशन से आपका 10,000 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 ये तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है। अच्छा, स्पोर्ट्स सेंसर से आपको टोटल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, वो कह रहे थे कि 7,224 इतने लोग आए होंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 रुपये मिलते हैं उनसे, और फोर नाइन जीरो जीरो × 2 × 2 को किया है कि 2 रुपये तो उनसे पर पर्सन से मिलते हैं, इसमें कितने 2 लोग आए होंगे, ठीक है, यहाँ 2 लोग आए होंगे, ठीक है, तो ये इसलिए 2 से गुणा कर दिया स्पोर्ट्स के लिए, भाई 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन आता है स्पोर्ट्स से, ठीक है, तो सिंगल पर पर्सन से, तो इतने पर्सन तो सिंगल रूम वाले आए होंगे, और इसमें जब इतने आपके इतना आपके ये बनते हैं रूम डे, तो 2 लोग आए होंगे ना इसमें, तो ये डबल रूम वाला है, तो 2 रुपये यहाँ से आ गए, तो इनको कर दिए, और 30 लोग आपको कैजुअल मिलते हैं, तो 30 × 7 पर डे आपको 30 मिलते हैं 20 आवर्स के लिए, और इसका 3 रुपये आपका रेट है, तो इससे आपका ये आ जाएगा, इतना आपको इससे टोटल रिवेन्यू मिलेगा आपको, इसमें से आप फिक्स कॉस्ट निकाल दीजिए तो आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली आपका स्पोर्ट्स से जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा सेम फैशन पे मिलेगा, 1 रुपये मिलता है, यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 रूम सेट है, और यहाँ अभी आपका ये 30 × 7 × 20, तो इससे आपका ये आ जाएगा, इसमें आपकी फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट दी हुई है, इसको घटाइए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इससे इस एक्टिविटी से स्पोर्ट्स शॉप से आपको 12,974 का प्रॉफिट मिलेगा। सिमिलरली जो आपका कैफेटेरिया है उससे जो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ये आपके 1.5 रुपये आएगा, यहाँ पे 1.5 × 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डबल रूम है, और 30 × 7 × 20 ये कैजुअल के लिए है, तो इससे आपका ये आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इसमें से आप फिक्स कॉस्ट ही घटा दीजिए तो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट आपका कैसे कितना हो जाएगा, पूरी एक्टिविटी से आप इन सबको सम कर दीजिए तो आपका ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 73,208 रुपये, ठीक है। तो आपका ये बी पार्ट आसानी से सोल्व हो सकता है, ये तो आप इंटरमीडिएट लेवल में भी किए होंगे आई बिलीव। अच्छा, एडवाइज अथॉरिटी वेदर टू ऑफर एंड
ऑफर ऑफ 2,50,000 फ्रॉम अ प्राइवेट लेजर कंपनी टू ऑपरेट द सेंटर फॉर 5 years इज वर्थ वाइल एज्यूमिंग दैट द अथॉरिटी यूजेज अ 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑपरेशन कंटिन्यू एज आउटलाइंड अबो। कह रहे कि इनको एक प्राइवेट कंपनी जो है कह रही है 2,50,000 रुपए ले लो हमसे, 5 साल का होटल हम चलाएंगे, तो क्या ऐसा करना चाहिए इनको? अगर ये आपकी आपका कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% पर लेते हैं तो आपका देखो 1 साल का जो प्रॉफिट आ रहा है, जो आपने ये प्रॉफिट निकाला है, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है 1 साल का? 1 साल का प्रॉफिट आ रहा है आपका ये 73,208 आ रहा है, और 5 साल के लिए होटल लेंगे तो आज देखो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे हमें क्यों लाना पड़ेगा, ये मैं आपको जरा सा समझा रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं समझाऊंगा। देखिए आपका क्या है कि आपको होटल वाला कब पैसे देगा, होटल वाला आपको पैसे देगा, देखिए दो आप आज आपको कह रहा है वो कि मैं आपको 2,50,000 रुपये दे दूंगा आज, आज मुझे आप 5 साल के लिए होटल दो, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, तो 5 साल के लिए होटल दो, मैं आज आपको 2,50,000 रुपये दे दूंगा आज, 0 पॉइंट पे खड़ा हूं मैं, तो आपको यहाँ रिवेन्यू कितना मिलेगा 73,208 ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी इतना ही मिलेगा, 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 तो ये 73,208 अगर आप होटल ना इसको देते अपना ये, तो ये आपको हर साल दर साल मिलता रहता पांचों साल, लेकिन इसकी ये मिलता 5 साल बाद, इसकी आज कॉस्ट क्या है या आज इसकी वैल्यू क्या है, नॉट कॉस्ट, आज इसकी वैल्यू क्या है, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे खींच के यहाँ लानी पड़ेगी सारी वैल्यू आपको, ये सारी वैल्यू आपको यहाँ खींच के लानी पड़ेगी इस पॉइंट पे, क्योंकि आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो PVIF होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर जो होता है, ये आप निकाल सकते हैं टेबल्स से भी, कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं GT फंक्शन लगा के अपने, तो 5 साल के लिए आप निकालेंगे तो ये 3.79 आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप SFM में ऐसा खूब करते होंगे, क्योंकि SFM में बहुत सारे प्रेजेंट वैल्यू आप निकालते हैं, वैसे अगर आप देखें तो आप इसको 10% का फैक्टर में सारे PVIF जो होते हैं, NOT के फैक्टर्स होते हैं, वो दिए भी होते हैं, टेबल्स में भी होते हैं, कई बार एग्जाम में भी दिए होते हैं, नहीं तो आप इसको निकालना सीख लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में। तो उससे 5 साल के लिए आपको ये मिलेगा, आपको 5 साल तक ये एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, अगर ये 5 साल तक मिलता रहेगा, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, इसको जस्ट 5 से गुणा कर दो, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू को आपको एन्युटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा। तो आपको वो कितना बेनिफिट देगा अगर आप इस होटल को ना उसको प्राइवेट वाले को दें और अपने आप चलाएं, तो आपको मिलेंगे 2,77,500 रुपये। तो भाई आप 2,50,000 रुपये क्यों लें, तो इट इज नॉट वर्थ वाइल टू गिव द लीज सेंटर फॉर द लीज। लीज पे देना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, ठीक है, तो आपको इससे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो विद दिस आई थिंक आई एबल टू एक्सप्लेन 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास करते हैं, उसमें हम समझेंगे और आगे की बातें। आई बिलीव आप समझ रहे होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।